1 अक्टूबर 2024 से लेकर 30 सितंबर 2025 की अवधि में चीनी मिलों द्वारा किसानों को गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य यानी कि FRP निर्धारित किया गया है। वर्ष 2024-25 के लिए 340 रुपये प्रति क्विंटल मूल्य निर्धारित किए जाने का निर्णय किया गया है। पिछले वर्ष यानी कि 2023-24 में FRP जो था, जो इसकी उचित मूल्य था, वो पिछले साल 315 रुपये था, जो बढ़कर इस साल 340 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। ये 340 रुपये प्रति क्विंटल का मूल्य चीनी की लगभग 10.25% रिकवरी के रेट के लिए मिलेगा। आज का पहला निर्णय भी जो CCA से संबंधित है, वो गन्ना सीजन, जो आगामी गन्ना सीजन है, उसके लिए जो मूल्य तय करने का निर्णय किया गया है, 1 अक्टूबर 2024 से लेकर 30 सितंबर 2025 की अवधि में चीनी मिलों द्वारा किसानों को गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य यानी कि FRP निर्धारित किया गया है। जैसा आप जानते हैं, CACP, कृषि लागत और मूल्य आयोग, ये इनके द्वारा गन्ने की उत्पादन लागत, अन्य बाय प्रोडक्ट्स जैसे कि गुड़, गन्ने की खोई इत्यादि की बिक्री से प्राप्त होने वाली राशि और उसमें प्रॉफिट जोड़ के कितना उसका दाम तय होना चाहिए वो तय करती है, इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हैं। और वर्ष 2024-25 के लिए 340 रुपये प्रति क्विंटल मूल्य निर्धारित किए जाने का निर्णय किया गया है। पिछले वर्ष यानी कि 2023-24 में FRP जो था, जो इसकी उचित मूल्य था, वो पिछले साल 315 रुपये था, जो बढ़कर इस साल 340 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। ये 340 रुपये प्रति क्विंटल का मूल्य चीनी की लगभग 10.25% रिकवरी के रेट के लिए मिलेगा और प्रति 0.1% एक्स्ट्रा रिकवरी पर 3.32 रुपये प्रति क्विंटल का अतिरिक्त प्रीमियम मिलेगा। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।